नैनीताल जिले में भावी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और विगत दिनों हुई बारिश ने हल्द्वानी में भावी तबाही मचाई है। बता दें कि देवखड़ी नाले के उफान पर आने से सुरक्षा दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और नाली का रुख आवासीय कॉलोनी की तरफ हो गया, जिसके चलते कई लोगों के घरों में जल भराव हो गया और लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वह इस भीषण बारिश से हुए नुकसान के बाद स्थिति का जायजा लेने नैनीताल से सांसद अजय भट्ट मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां प्रभावित लोगों से बातचीत की। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक की लागत से देवखड़ी नाले का ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिलहाल कुछ प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, स्थिति तो बहुत खराब है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लोगों ने घर खाली कर दिए, लोग भाग गए, जान बचाई, कोई तिमनझली में आ गया। अब इतनी बड़ी गाड़ी जब डूब गई मलबे में, आप देख रहे हैं सामने गाड़ियां डूब गई, एक गाड़ी नहीं दो तीन गाड़ियां डूबी हैं। अब इसके लिए परमानेंट क्योर करना बहुत आवश्यक है। पूरे नाले की जो ऊपर का नाला है उसकी डिसिल्टिंग करवाना और यहां से प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपदा की तरफ से स्टेट को, स्टेट से केंद्र को, करीब करीब 25 करोड़ का खर्चा इसमें भी है। जैसे उधर के नाले में 20-25 करोड़ रुपए का प्रपोजल गया था, वो लगभग स्वीकृत जैसा ही हो गया है रकेसिया का, वैसे ही यहाँ का भी हम लोग प्रपोजल भेज रहे हैं। मेरी आज मेयर साहब से, अध्यक्ष जी से, सारे अपने कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, जिलाधिकारी उनसे भी मैंने बात करी, शायद वो भी दौरा करें आज, साथ आने वाले थे। चूँकि मैंने बहुत जगह देखने जाना है इसलिए मैं पहले आ गया हूँ। इसमें जब 20-25 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर से ही चेक डैम बनाते लाने पड़ेगा हमको, जो आगे के नाले हैं जहाँ से पानी आ रहा है, जिससे बड़े पत्थर गाद सारी उनमें भरते जाएगी, एकदम नुकसान नहीं होगा और पानी के बहाव में उतना बल भी नहीं रहेगा, बहुत क्षीण हो जाता है। पहले भी ये सिस्टम था, 9-10 साल पहले ये सिस्टम यहाँ पर बनाया गया था, उसके बाद से इसकी सफाई नहीं हुई। चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसिल्टिंग करने पर थोड़ा सा बैन लगाया हुआ है, तो उसका लॉजिक क्या है, कैसे खुलेगा, उसको आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट समझाएगा। जिलाधिकारी जिले की सर्वे सर्वा होते हैं तो वो इसको दिखाएंगे। ये प्रपोजल लगभग लगभग हम बनाने को तैयारी हैं, वैसे ही जैसे कि रकेसिया का बनाया, वहाँ पर भी 20-25 करोड़ रुपये आके परमानेंट क्योर कर रहे हैं, क्योंकि बार बार यही होगा तो आने वाले दिनों में तो फिर आदत सी पड़ जाएगी और नुकसान ज़्यादा होगा, रास्ता खुल जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरी शिद्दत से नया इसका प्रोजेक्ट बना के, डिसिल्टिंग कैसे होगी उसका पूरा अपनी तरफ से केस बना के केंद्र को भेजना है, वहाँ से पैसा स्वीकृत अति शीघ्र हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होता ही है। तत्काल राहत के लिए, तत्काल राहत के लिए अभी अहेतुक राशि 5,000 रुपये सबको दे रहे हैं जिनके घरों में पानी भरा, जहाँ ज़्यादा गाद भर गई है उसको सरकार की तरफ से सारा साफ करा रहे हैं। जैसे इतने बड़े बोल्डर हैं, गाड़ियाँ फंस गई हैं, घरों के आगे दीवारें टूट गई हैं, तो उसको सरकार देख रही है, सरकार करेगी, सब लगा भी दिया है, आप देख रहे हैं JCP जगह जगह लगा दिए हैं। काफी तेज जो बारिश है, लगभग 160 mm एक घंटे के अंदर बारिश हुई है और एकदम एक एरिया में ज्यादा पानी आने की वजह से ये जो नाला है हमारा आम पानी नाला, इसमें काफी मलबा और बोल्डर्स है तो उसकी कुछ दीवार क्षतिग्रस्त होने की वजह से आबादी की तरफ पानी भर गया। काफी लोग प्रभावित हुए हैं, लगभग 300-400 लोग हैं जिनके घरों में थोड़ा बहुत जो है पानी गया है। कुछ लोगों के घरों में ज्यादा नुकसान हुआ है जो बिल्कुल कॉर्नर में रहते हैं। तो हमारी जो टीमें हैं वो कल रात से ही यहाँ लगी हुई है, नगर निगम स्ट्रीट्स की सफाई करवा के वहाँ पर जो चूना छिड़काव वगैरह है वो सारी चीजें भी करवा रहा है, फॉगिंग वगैरह भी करा रहा है, और जो लोगों को जिनको हेल्प चाहिए अपने आंगन वगैरह क्लियर करने के लिए उसमें भी नगर निगम की टीमें मदद करा रही हैं। तहसील की टीमें जो नुकसान है उसका आकलन कर रही हैं। लगभग 100 लोगों को अभी रात से अभी तक सहायता राशि जो है वो बांटी जा चुकी है। हमारा यही कोशिश है कि आज रात तक या कल सुबह तक लगभग जो सभी प्रभावित हैं उन सबको सहायता राशि बच जाए, और अन्य भी जो सुविधाएं हैं जो भी राहत हम इस वक्त में दे सकते हैं लोगों को वो देने का प्रयास किया जा रहा है। ये नाले के ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोगों ने इसका जहाँ कैचमेंट है वहीं से इसको देखा। तीन नाले आते हैं, फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, तीनों एक जगह पर मिलते हैं। उसमें काफी ऊपर जब पहाड़ों में बरसात होती है या बादल फटता है या ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो
तो पानी काफी बड़ी मात्रा में बोल्डर्स और मलबे के साथ आता है। छोटे छोटे थे सब डर गए, और किराए में है ना हमारे, हम तो ऊपर लुमाजे में रहते हैं। 2009 में आए तब से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद पिछले साल भी आया, पिछले साल भी वही रहा। अब हमें आगे को डर हो गई ना, अपने जान उसकी जान माल की डर है। अब कोई किराए में भी रहे तो वो भी परेशान होगा कि हम कहाँ जाए क्या जाए। तो हमने कहा है उनसे भी ना, प्रशासन की टीम से भी कहा। अब बच्चे कह रहे हैं हम अपना कमरा बदल लेंगे, मतलब कहाँ कहाँ बदलेंगे, तो कहीं भी आ सकती है ना आपदा, हमारे वहीं नहीं आई, कहीं भी आ सकती है। तो इसके लिए भाई इतना ही हम कह सकते हैं।